देख के अच्छा लगा। मकाऊ है, बाहर खेल रहा है, कलरफुल है, मगर मकाऊ ख़रीदने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे कहाँ से आया? एक्चुअली बहुत सारे न्यू हॉबीस्ट हैं जो मकाऊ लेना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मकाऊ लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, नंबर वन, मकाऊ का लाइफ स्पैन क्या होता है, इनका टेम्परेमेंट कैसा होता है, इनकी डाइट, इनका इंक्लोजर या केज के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग इनको कौन सी एज में ख़रीदना चाहिए, फिर इनका मोल्टिंग पीरियड होता है, मोल्टिंग भी होती है, इनको ख़रीदते समय आपको इनकी फेदर क्वालिटी, हेल्थ किस तरीके से चेक करनी चाहिए, तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो, वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले बात आपको ये जानना है कि इनकी एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है। इनकी एक एवरेज जो उम्र होती है ये 70 से 80 साल होती है, जिसका मतलब ये अपने ओनर से ज़्यादा जी सकते हैं। दैट मीन्स मकाउस कैन आउटलिव देयर ओनर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही लंबा कमिटमेंट होता है अगर आप एक मकाऊ ले रहे हैं। नंबर दो पॉइंट या नंबर टू पॉइंट, ये इनका टेम्परेमेंट कैसा होता है। दीज बर्ड्स आर हाईली सोशल बर्ड, इनको सारी फैमिली के साथ खेलना, कूदना, मस्ती करना बड़ा पसंद आता है। दे जंप ऑन यू, या आपके शोल्डर पर बैठेंगे, या आपके बच्चों के साथ खेलेंगे, बीवी के साथ खेलेंगे, गर्लफ्रेंड के साथ खेलेंगे, दोस्त यार सबके साथ खेलते हैं। सो ये बहुत ही सोशल बर्ड होते हैं। बहुत से लोग इनकी बीक का साइज देख के डर जाते हैं कि यार ये बहुत डेंजरस होते हैं। नो, दे आर वेरी वेरी हाईली सोशल बर्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान आपको ये रखना है, जैसे कि इनका केज का साइज क्या होना चाहिए, इनका डाइट क्या होना चाहिए, और उनको किस तरीके के टॉयज चाहिए खेलने के लिए। एज फार एज द केज इज कंसर्न, द बिगर द बेटर, जिसका मतलब आप जितना बड़ा केज दोगे उसके लिए उतना अच्छा होगा। बट आइडियली बहुत से लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बहुत से लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हर किसी के पास फार्म नहीं होता, तो आपको मिनिमम इनके लिए 5 फीट की हाइट, 3 से 3.5 फीट की लेंथ और 2.5 से 3 फीट की आपको डेप्थ इसकी ज़रूरत होगी। अब इनका डाइट में क्या होता है, ये बहुत सारे मॉर्निंग में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, जैसे एप्पल, वाटरमेलन, मस्क मेलन, पपाया विच इज़ मैंडेटरी, देन उसके साथ में आप सिट्रस बेस्ड फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे मौसम्बी हो गई, ऑरेंजेस हो गया। दोपहर में इनको काला चना, काबुली चना अलॉन्ग विद द क्रंची रॉ वेजिटेबल्स, कैप्सिकम हो गया और कैरेट हो गए, बीट रूट हो गई, ये सब चीज़ें आप मिक्स करके दीजिए। देन इनके बाद इनको इनके स्पेशलिटी सीड्स आते हैं, मिक्स सीड्स आते हैं जो मकाऊ के सीड्स होते हैं। अलॉन्ग विथ इट इसके लिए आपको पैलेट्स भी लेना पड़ेगा। सो इनकी वैरायटी जो होती है फूड की काफ़ी लंबी होती है। और एज फार एज द केज इज कंसर्न, केज के अंदर आपको च्यूएबल टॉयज रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनका जो चोंच, इनकी जो बीक होती है, ये होती है तोड़ने फोड़ने के लिए बनी होती है। अगर आपको दिख रही है तो आप देख सकते हैं इसमें, तो इनकी जो चोंच होती है तोड़ने फोड़ने के लिए बनी होती है। सो दे लाइक टू ब्रेक थिंग, दे लाइक टू डिस्ट्रक्ट थिंग। तो आपको नट्स भी देना है, वॉलनट्स जैसे देना है, वो इनको तोड़ के खाते हैं। इसके साथ में आपको इनको च्यूएबल टॉयज देना है जो लकड़ी से बने हुए रहते हैं, जैसे नीम, आंवला, गावा की लकड़ी से बने रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बर्ड की फेदर क्वालिटी कैसी है। फेदर क्वालिटी इंडिकेट्स बर्ड्स हेल्थ। तो आपको बर्ड की फेदर क्वालिटी देखनी है। नंबर टू, इसकी टेमनेस देखनी है कि बर्ड किस तरीके से टेम और ट्रेंड है। तो आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बर्ड के नेल कैसे हैं, क्योंकि आप बर्ड के एक एक बॉडी पार्ट है ना, उसकी हेल्थ को दर्शाता है, वो इंडिकेट करता है। तो आपको हर तरीके से देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ग्रीन विंग मकाऊ है, अगर आप देख सकें, ये इसकी फेदर की कंडीशन है और ये इसकी टेमनेस है। देखिए, अगर मैं इसको बुलाऊं, ये बर्ड इंसानों से अच्छा खासा टेम है, इसको ट्रेन किया गया है। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि बर्ड की फेदर, नेल्स, बीक एंड इसका डाइट, ये खाना किस तरीके से खाता है, कौन सी क्वांटिटी में खाता है, तो आपको ये भी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इनका बजट भी होता है, अलग अलग टाइप ऑफ मकाऊस के अलग अलग प्राइजेस होते हैं, जैसे ब्लू एंड गोल्ड हो गया, ग्रीन विंग मकाऊ हो गया, स्कारलेट मकाऊ जिसे आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, उसके बाद क्या होता है, रूबी मकाऊज आते हैं। देन ये प्योर ब्रीड की क्रॉस ब्रीड भी होती है,
फॉर एग्जाम्पल ब्लू एंड गोल्ड एंड ग्रीन विंग की भी क्रॉस ब्रीड कराई जाती है जिससे तीसरा बर्ड निकलता है, उसके बाद ग्रीन विंग की प्लस स्कारलेट की, तो ऐसे फर्स्ट जनरेशन वो हाइब्रिड होती है, देन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इनकी जो प्राइसिंग होती है ये ऑल डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ द बर्ड नंबर वन, नंबर टू क्वालिटी ऑफ द बर्ड, नंबर थ्री इसकी टेमनेस, इसकी टेमनेस कैसी है, ये इसके हिसाब से प्राइसिंग इसकी तय की जाती है। दूसरा एक बात है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच एज फार एज द इंडियन मार्केट इज कंसर्न, बर्ड की रिंग, कट रिंग एंड नो रिंग। बहुत से लोग बोलते हैं कि बर्ड को ये जो रिंग रहती है, अगर आपको दिख रही है तो मैं शायद दिखाने की कोशिश, ये दिख रहा है आपको, ये रिंग रहना, क्योंकि आप इतने एक्सपेंसिव बर्ड ले रहे हैं तो आप यू मेक श्योर योर बर्ड हैज़ अ क्लोज रिंग, ठीक है। मैं एक रिंग और कटरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिससे एटलीस्ट हमारे इंडिया के और एशिया के कंट्रीज़ के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी बर्ड लवर्स हैं, जो जो भी शौकीन हैं, उनके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ कि रिंग और नो रिंग और कटरिंग में क्या फ़र्क रहता है इससे, और इस पर आपकी शौक पे या आपकी हॉबी पे क्या असर पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट, एंड प्लीज़ मेक श्योर दिस इज़ अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड सो दैट एज फार एज द इंडिया इज़ कंसर्न, यहाँ के हॉबीज लोगों के साथ जो चीटिंग, जो फ्रॉड होती है ऑन मैनी ऑफ लेवल, तो इस तरीके की मैं इंफॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ ताकि मैक्सिमम जो हॉबीस्ट हैं एज एन बर्ड लवर, दे कैन मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, अच्छे से रिसर्च करके एक अच्छी जगह से। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप बर्ड किधर से खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, इट इज़ मैंडेटरी कि यू टेक अ राइट डिसीजन बिफोर बाइंग थिंग्स, बिफोर बाइंग अ मकाऊ, बिफोर बाइंग अ अफ्रीकन ग्रे, यू नीड टू हैव अ करेक्ट मार्केट रिसर्च, नॉट ओनली अबाउट द प्राइजिंग, अबाउट देयर हेल्थ, इनके जो जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एवरी वीक विल कम अप विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक सो दैट एवी कल्चर इन इंडिया कैन थ्राइव, कैन ब्लूम। थैंक यू।